हे गाइस, वेलकम टू द थंडर वर्ल्ड। गाइस, आज की इस वीडियो में हम फ्रेंच मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि सिर्फ 18 प्लस लोगों के लिए ही है, क्योंकि इस मूवी में काफ़ी सारे ऐसे बोल्ड एरोटिक सीन्स हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को बेल पर कर दो। तो या विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मूवी की शुरुआत होती है क्रिसमस कार्ड के फोटो से, जहाँ पर पूरी फैमिली फोटो खिंचवा रही होती है। इस फैमिली में मेरी अडॉप्टेड सिस्टर होती है रोमेन और पेरे की। रोमेन सबसे छोटा लड़का होता है और वो अपने बड़े भाई पेरे से काफ़ी जेलस फील करता है, क्योंकि वो उसे काफ़ी कूल होता है। इसलिए मेरी जो है ये स्तन झोंक देने का काम करती है, बट इस बात का जिक्र फैमिली में कभी भी नहीं होता। तो वो शाम को डिनर करते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद क्लेरी को, जो कि रोमेन की मॉम है, उसे रोमेन के प्रिंसिपल स्कूल में बुलाते हैं, क्योंकि रोमेन बायोलॉजी क्लास के दौरान मास्टरबेट करते हुए पकड़ा गया है और उसका वीडियो भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पास है। तो यहाँ पर रोमेन की मॉम कहती है मुझे अपने बेटे से मिलना है। तो क्लेरी रोमेन से मिलने जाती है, जहाँ पर उसे समझाते हैं कि तुमने कुछ गलत नहीं किया है, तुम चाहो तो मुझे हर चीज़ बता सकती हो। तो रोमेन कहता है कि मुझे ये सब करने के लिए मेरे फ्रेंड्स ने मुझे एंकरेज किया था। रोमेन को स्कूल में से कुछ दिनों के लिए निकाल दिया जाता है। शाम को घर पे क्लेरी उसके हस्बैंड से इस बारे में बात करती है। तो हस्बैंड कहता है कि हमने कभी हमारे बच्चों के इस बारे में कुछ बताया ही नहीं है, हमें उनसे बात करनी चाहिए। क्लेरी कहती है कि हम अपने बच्चों से हर चीज़ डिस्कस कर सकते हैं, बट जब आती है इस टॉपिक के बारे में बात करने की तो हम बच्चों को ऐसे ही छोड़ देते हैं बिना कुछ बताए, देन वो ऐसी हरकतें करते हैं। ये कह के वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। अब जबकि रोमेन को स्कूल से निकाल दिया है, तो अब वो सिर्फ घर पे ही रहता है और उसकी जो पहली गर्लफ्रेंड थी उसके साथ भी उसका ब्रेकअप हो गया है। इसके बारे में वो उसके पेरेंट्स को बताता है, बट वो हंसने लगते हैं। एंड रोमेन ये भी कहता है कि स्कूल की एक लड़की है जिसे मैं बहुत ही ज़्यादा बातें करता हूँ। फिर क्लेयर अपने गार्डनर से बैठ के कुछ बातें करती है। वो कहती हैं कि तुम्हारी वाइफ के मरने के बाद तुम शारीरिक संबंध रखते हो या फिर नहीं। तो वो कहता है कि उसकी डेथ के बाद उसे एक और दूसरी औरत के साथ प्यार हो गया था, बट उसे लगता था कि ये चीटिंग होगी उसकी वाइफ के साथ, देन वो सिर्फ मास्टरबेट ही करता है। देन रोमेन के पिता उसे उसके लव लाइफ के बारे में पूछता है, बट रोमेन अनकम्फर्टेबल होके रोते हुए वहाँ से चला जाता है। अब कुछ दिनों के बाद रोमेन उसके स्कूल फ्रेंड कोरेल से मिलता है और वो थोड़ी बहुत बातें करते हैं। एंड चलते चलते रोमेन कोरेल को प्रपोज करता है। यहाँ वो दोनों किस करते हैं एंड वो उसे अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए लेके जाता है। यहाँ पर थोड़ी देर बात करने के बाद और ड्रिंक लेने के बाद रोमेन और उसके गर्लफ्रेंड रूम में जाके इंटीमेट होते हैं। देन वो सभी बैठ के बातें करते हैं। तो भी रोमेन के भाई बहन कहते हैं कि उन्हें अकेले में पोर्न वीडियोस देखने का काफ़ी शौक है, और मेरी का बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि मुझे तो तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी लगती है, बट मेरी कहती है कि तुम्हें मुझसे प्लेजर मिलता है इसलिए मैं तुम्हें पसंद हूँ। अब कुछ देर के बाद सभी बाहर आके क्रिसमस कार्ड के लिए फोटो खिंचवाते हैं। एंड अब रोमेन काफ़ी खुश होता है, क्योंकि इस बार उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। सो गाइस, ये थी फ्रेंच मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड नोटिफिकेशन बेल को बेल पर कर दो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।